आरबीआई की अप्रैल 2022 में आई ग्रॉस बैंक क्रेडिट रिपोर्ट बता रही है कि बैंकों ने किस सेक्टर में कितना लोन दिया है। 34 लाख करोड़ के कुल पर्सनल लोन में आधा हिस्सा होम लोन का है। करीब 17 लाख करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन है। इसमें अप्रैल 2021 के मुकाबले 13.7% की वृद्धि हुई है। लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलती है, इसीलिए होम लोन लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन होम लोन पर बढ़ता ब्याज इसे बोझ बना रहा है। रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों में हर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी लोन की ईएमआई को 4% तक बढ़ा देती है। दो रेट हाइक के बाद आरबीआई ने मई जून में 90 बेसिस पॉइंट की ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में ईएमआई बढ़ने का वक्त आ गया है। 10 साल के टेन्योर वाला 35 लाख रुपए का होम लोन, जिस पर 7.1% का ब्याज था, अब वो बढ़कर 8% का हो गया है। 40,818 रुपए की ईएमआई बढ़कर 42,465 रुपए की हो जाएगी। कुल लोन पर ब्याज अदायगी भी 13.98 लाख से बढ़कर 15.96 लाख हो गई। लोन पर बड़ा खर्चा अगर आपके बजट को बिगाड़ दे तो डिफॉल्ट की नौबत आ सकती है, लेकिन डिफॉल्ट से बचने के लिए आप ये 4 कदम अपना सकते हैं। पहला, फिक्स डिपॉजिट जैसे अपने निवेश में से पैसे निकालकर अतिरिक्त फंड का इंतजाम करें। दूसरा, अपने खर्चों को जहां कम कर सकते हैं वहां से कम करके लोन चुकाने की व्यवस्था करें। तीसरा, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो उसका इस्तेमाल करें। चौथा, पर्सनल लोन लेकर पैसों का इंतजाम करने की नौबत आ जाए तो इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। कई संस्थान अपने कर्मचारियों को पर्सनल लोन देते हैं, तो अपने दफ्तर में ऐसी कोई स्कीम हो तो उसके बारे में जरूर पता करें। लोन की किस्त में देरी माइनर डिफॉल्ट मानी जाती है और उससे पूरी तरह चूक जाना मेजर डिफॉल्ट। डूबे हुए कर्ज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लोन को शामिल करने से पहले आपको बैंक चेतावनी के साथ पेमेंट के लिए समय देता है। सबसे पहले 1-2 हफ्ते देरी से ही सही अगर आप पेमेंट कर दें तो बैंक ईयू इंस्टॉलमेंट पर 1-2% की पेनल्टी लगाएगा, लेकिन ये देरी 30 दिन से ज्यादा की हो जाए तो बात बिगड़ सकती है और 90 दिन की देरी में संपत्ति जब्त होने की नौबत भी आ सकती है। जब ईएमआई देने में 90 दिन की देरी होती है तो मेजर डिफॉल्ट बन जाता है। इस स्थिति में लोन डूबा हुआ कर्ज माना जाएगा और बैंक लोन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। 2002 में बना सरफेसी कानून यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट बैंक को कर्जदार की गिरवी संपत्ति को जब्त करने और बेचने का अधिकार देता है ताकि बकाया कर्ज की वसूली हो सके। जब कहीं से भी लोन की वसूली ना हो पाए तो बैंक ये कदम उठा सकते हैं। लोन एडवाइजर मंदार जुल्कीकर कहते हैं कि अगर आर्थिक परेशानी की वजह से किश्त देने में आप असमर्थ हैं तो बैंक से भागे नहीं, बल्कि बैंक को स्थिति बताएं। आप अपने निवेश या घर वालों से पैसे लेकर जहां तक हो सके ईएमआई बाउंस ना होने दें। कर्जदार बैंक से बात करके बीच का रास्ता निकालने का आग्रह कर सकते हैं। इसके तहत अगर पूरी ईएमआई नहीं चुका सकते तो केवल ब्याज अदा करने की अनुमति लें, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए लोन की अवधि को बढ़ाने या कुछ दिन लोन नहीं देने के लिए मोरेटोरियम की मांग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि होम लोन के 1 महीने की ईएमआई का भुगतान ना होने का मतलब है कि आपके क्रेडिट स्कोर में 50 पॉइंट की गिरावट होगी और क्रेडिट स्कोर एक बार खराब हुआ तो उसको सुधारने में सालों लग जाते हैं।